दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका को धूल चटाने रातों रात कटक पहुंचा टीम इंडिया का भूखा शेर। या खिलाड़ी का नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका की टीम की हुई हवा टाइट। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन ये शानदार बेहतरीन खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरा T20 मुकाबला जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस समय 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और ऐसे में सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला 12 जून को यानी कि कल खेला जाने वाला है और यह मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। और ऐसे में वहीं दोस्तों कप्तान ऋषभ पंत दूसरा T20 मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेंगे और ऐसे में अगर दूसरा T20 मुकाबला हार जाती है भारतीय टीम तो वह काफी पीछे हो जाएगी। और ऐसे में इसी वजह से कप्तान ऋषभ पंत यह मुकाबला जीतकर साउथ अफ्रीका के साथ 1-1 की बराबरी करना चाहेंगे। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए BCCI ने भारतीय टीम में एक भूखे शेर को शामिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन ने IPL 2022 में लगातार शानदार प्रदर्शन पेश किया है और ऐसे में संजू सैमसन को KL राहुल के रिप्लेसमेंट और भारतीय टीम में बैकअप के तौर पर शामिल कर लिया है। और ऐसे में दोस्तों आज भारतीय टीम का कटक पहुंच गई है और ऐसे में एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के साथ संजू सैमसन को भी देखा गया है। और अब ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि संजू सैमसन को दूसरे T20 मुकाबले में मौका मिलता है या नहीं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है संजू सैमसन के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत